हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। हाँ जी, टाइम है दोपहर के तकरीबन 12 बजे का। हाँ, आज मैं जल्दी फ्री हो गई हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो, बहुत ही खिली खिली सी धूप निकली हुई है। आज काम जल्दी जल्दी होते गए, हम जल्दी जल्दी काम करते गए, क्योंकि ना जब सर्दी होती है, मौसम ठीक खुला नहीं होता ना, तो काम धीरे धीरे ही होते हैं। आज तो मैंने बहुत कपड़ों का भी काम, कहते हैं ना कि कल तो सारे मैंने, क्योंकि धूप काफ़ी दिनों के बाद निकली थी, तो कल तो मैंने सारे पेट्स के ब्लैंकेट्स वगैरह धोए, तो आज भी धूप बहुत अच्छी थी। तो वही हो जाता है कि बेड कवर्स हो गए आपके, ब्लैंकेट्स के, रजाइयों के कवर्स हो गए, तो आज मैंने वो वाला काम भी काफ़ी किया, जिसमें से कि काफ़ी सारे कपड़े सूख भी गए हैं। तो अच्छा लगता है जब ना इस तरीके से जल्दी जल्दी काम निपटते रहते हैं। और आज वैसे भी मेरा दिन बहुत, शुरुआत बहुत अच्छी हुई है, तो दिन काफ़ी प्रोडक्टिव रहने वाला है, क्योंकि मेरे को सब्जी वाले की चिंता थी, तो आज मेरा सब्जी वाला भी आ गया, तो मेरा वो काम भी हो गया, क्योंकि काफ़ी परेशानी बनी हुई थी कि हाय जाना पड़ेगा, सब्जी लेके आनी पड़ेगी, क्योंकि घर से बाहर निकलने वाला काम मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करता है, तो मेरा वो काम भी हो गया। फिर मैंने कुछ चीज़ें ऑनलाइन ऑर्डर करी थी, उसमें से एक चीज़ मेरे को था कि जल्दी मेरे पास पहुंच जाए, जिससे कि मेरा वो केन वाला सोफ़ा है, उसका जो वो मैंने कल वाले ब्लॉग में थोड़ा बताया भी था कि वो पेंडिंग काम पूरा हो जाए, क्योंकि काफ़ी फैलाव हुआ पड़ा था। तो आई एम सो लकी। वैसे तो उसका एस सच शो तो करा था कि कल डिलीवर होगा, लेकिन आज मॉर्निंग में आई थिंक 9:30 बजे ही वो डिलीवर भी हो गया। तो आज मैं अपना लंच करने के बाद थोड़ा सा मेरा मशीन पे काम है, वो करके मेरे को लगता है कि शाम तक मैं अपना वो फर्निशिंग वाला काम भी ख़त्म कर लूँगी। फिर सब्जी वाला आ गया, एक किचन से रिलेटेड चीज़ भी थी जो मुझे काफ़ी टाइम से एक्चुअली थी मेरे पास, वो टूट गई थी। उसके बाद फिर वही सोचा कि जाके ले आएंगे, गए भी, फिर वो प्राइस ज़्यादा लगा, तो फाइनली मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी, वो भी डिलीवर हो गई है। तो आज शाम को बच्चों के लिए बनने वाला है बहुत यम्मी सा डिनर, तो उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो आप, आज का ब्लॉग रहने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग, तो प्लीज़ आप आज का ब्लॉग कंप्लीट देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और प्लीज़ इसे आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर करें। तो अब मैं पहले जा रही हूँ किचन में अपना लंच प्रिपेयर करने, ऐसे कुछ ज़्यादा नहीं, क्योंकि सब्जी वाला आज लेट आया है, नहीं तो वो जल्दी आता है, लेकिन वो कहीं बाहर गया हुआ था, वो समवेयर अराउंड 11 बजे आया है आज। हाँ जी, 11 बजे वो आया है। तो सब्जियां तो काफ़ी ले ली हैं, लेकिन अब बनाने का कोई मूड नहीं है कि दोबारा से फिर वही चॉपिंग करो, जितनी सुबह हो गई हो गई, अब दोबारा इस वक्त नहीं। तो सिर्फ मैंने स्वीट पोटैटो बॉईल करके रखा हुआ है, तो बस रागी और स्वीट पोटैटो के अपने लिए मैं रोटी बनाऊंगी, फिर देखते हैं कैसे खाई जाती है, नींबू के अचार के साथ या कुछ। तो आज का मेरा सिंपल सा रहने वाला है लंच, उसके बाद मैंने करना है मशीन पे काम। तो आप भी मेरे साथ बने रहिए, और तो आज का दिन बनाते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो मिलती हूँ आपसे लंच के बाद।
देखा कि कैसे मैंने अपने इस वाले सोफे को तो अच्छी तरीके से फर्निश कर दिया है और मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसमें से जो सोफ़ा कवर्स हैं ये वाले, ये तो काफ़ी पहले के खरीदे हुए हैं, लेकिन मुझे थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी इनके इन कुशन के कवर्स के, क्योंकि ये कुशन यूजुअली जो हमें मार्केट में अवेलेबल होते हैं वो 16x16 इंचेस का साइज मिल जाता है, और ये है समवेयर अराउंड 25x25 इंचेस के हैं ये वाले कुशंस। लेकिन प्रॉब्लम यही थी, लेने जाओ तो फिर वो कंप्लीट सेट मिलता है और मुझे सिर्फ तीन ही चाहिए थे, तो बहुत सारी ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई लेकिन फाइनली आई गॉट इट। मुझे एक्स्ट्रा नहीं खरीदने पड़े, मुझे ये तीन ही मिल गए और बहुत अच्छे प्राइस में मिल गए, और ये मेरे इन सोफा कवर्स के साथ भी मैच करते हैं। तो अब हम लोग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो इसकी इसके साथ ना बकेट चेयर्स हैं इस वाले केन वाले सोफे के साथ, कि अब हम उसको किस तरीके से कवर करेंगे, क्योंकि किचन में बजे हैं शाम के 6, मेरा पेट्स का खाना पीना सारा हो चुका है और अब मैं बनाने जा रही हूँ बच्चों के लिए वेजिटेबल कटलेट्स। हाँ जी, है तो वैसे बनाऊंगी तो मैं वेज कटलेट्स, लेकिन वो बर्गर के फॉर्म में खाएंगे, तो बहुत ही इजी और हेल्दी रेसिपी है, उसकी तैयारी कर रही थी। तकरीबन तैयारी हो चुकी है मेरी, तो मैंने कहा चलो एक बार आपको मिल लेते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हुए इस रेसिपी में तो डिटेल्ड ब्लॉग मैं अलग से अपलोड करूंगी, आप वो देख लीजिएगा। तो यहाँ पे तो ऐसा मैंने आपको तैयारी जो है अपनी वो दिखा दी है, और एक और चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ वो कि एक तो मैंने वो कुशंस मंगवाए थे जो ना मैंने इससे पहले वाली क्लिप में आपने देखा है, चेयर जो मेरे केन वाला सोफा है उसकी जो बकेट चेयर्स हैं उसके लिए जो मैंने ना स्क्वायर कुशंस मंगवाए थे, एक तो ऑनलाइन मैंने वो मंगवाया था, दूसरी जो मैंने चीज मंगवाई थी ना वो था ये चॉपर। हाँ जी, ये बहुत लाइफ सेविंग प्रोडक्ट है किचन के लिए, आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। मेरे पास भी था ये, एक्चुअली मैंने 1.5-2 साल यूज़ किया है, जब मैंने ऑनलाइन ही ख़रीदा था, दैट वाज बाय वन गेट वन फ्री, तो एक तो बहुत अच्छा 1.5-2 साल चल गया, फिर वो गिरा क्योंकि प्लास्टिक की चीज़ें टूट जाती है, तो एक तो 1.5 साल चल के टूटा, दूसरा मैंने 2 दिन ही यूज़ किया वो गिर गया वो टूट गया, उसके बाद आई थिंक ऑलमोस्ट 4-5 मंथ्स हो गए। यही था कि जाके लेके आते हैं शायद कुछ बेटर मिल जाए, एक्चुअली बेटर इन सेंस मेरे को साइज बड़ा चाहिए था, जो मेरे पास इससे पहले था ना वो ऑलमोस्ट इससे हाफ साइज का था, मैंने अभी एक बड़ा एक छोटा 2 ऑर्डर किए, बड़ा वाला आज डिलीवर हो गया, छोटे वाला मे भी कल या परसों में मोस्ट प्रोबेबली तो कल आ ही जाएगा। तो यहाँ पे तो जो इसका MRP है उसी पे देते हैं, एट द मैक्स उस पर 50 रुपये कम कर देंगे, लेकिन ऑनलाइन लो तो MRP से मे बी 45-50 समटाइम्स 60% लेस पे भी मिल जाता है। तो आज ये भी आ चुका है, और इसे यकीन मानिए बहुत अच्छी चॉपिंग हो जाती है जब आपने कटलेट्स वगैरह बनाने हैं, या फिर आपने कोई फ्राइड राइस बनाने हैं, आपने मोमोज बनाने हैं, आपने स्प्रिंग रोल बना, तो कोई भी जैसे हम लोग चाइनीज क्यूजीन में जैसे बहुत फाइन चॉपिंग चाहिए होती है ना, तो उन चीज़ों में तो दिस थिंग इज़ अ लाइफ सेवर। अगर आप यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं करते हैं तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूंगी कि आप इसको ज़रूर यूज़ करें। तो अब मैं शुरू करती हूँ वेजिटेबल कटलेट्स बनाना, मेरी सारी तैयारी हो चुकी है। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, इसमें मैं इसको डिटेल कवर नहीं कर रही हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगी, तो आप वहाँ से पूरी रेसिपी देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि 6 बज चुके हैं, 6:30-7 लास्ट टाइम है, मतलब 6:30-7 तक मैंने बेटी को खाना देना होता है, तो चलो बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, बर्गर बनके बिल्कुल तैयार है। अगर आप चाहें तो इसके साथ बहुत सारा सैलेड भी खा सकते हैं, पी सकते हैं, लेकिन एज सच
ये बच्चों के लिए है, बच्चे तो इसको ऐसे ही इंजॉय करेंगे और जब हम बड़े अपने लिए इसे बनाएंगे तो बर्गर बन भी माइनस हो जाएंगे। तो सिंपल ये कटलेट्स, धनिया हरी मिर्च की चटनी, क्योंकि आजकल धनिया बहुत ज्यादा इजीली अवेलेबल है, धनिया की चटनी के साथ या इमली वाली जो सौंठ की चटनी होती है उसके साथ भी बहुत यम्मी लगते हैं। तो अब मैं दे रही हूँ बच्चों को डिनर, फिर उसके बाद मैं मिलती हूँ आपसे और फिर करते हैं ढेर सारी बातें। तो फ्रेंड्स, मेरा तो आज का दिन बहुत बढ़िया रहा, जो कुछ भी मैंने आज के दिन के लिए प्लान किया था शायद उससे ज़्यादा ही मेरा दिन अच्छा रहा, क्योंकि एक तो मैं जब उठी हूँ सुबह, काम तो काफ़ी मैंने, मतलब मेरी आदत है कि एक लिस्ट बना लेती हूँ कि थिंग्स टू डू, कि आज ये कुछ करना है, लेकिन उसके साथ कहते हैं ना कुछ एक्स्ट्रा भी हो गया, जैसे कि जो मेरे ऑनलाइन प्रोडक्ट्स थे जो कल डिलीवर होने थे वो भी आज मॉर्निंग में ही आ गया, फिर मेरा सब्जी वाला भी आ गया, यानी कि मेरा बाहर जाने का अगर टाइम बच गया तो मेरे लिए तो वो बोनस हो जाता है। क्योंकि देखिए, मेरी जो घर पे सिचुएशन है वो थोड़ी सी ऐसी है कि करना मुझे, कि आई एम द ओनली वन टू हैंडल द हाउस, अगर मैं घर से एक घंटे के लिए भी बाहर चली जाऊंगी ना तो मेरे घर पे काफ़ी चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं। तो सब्जी वाला आ गया तो वो भी मेरी एक बहुत बड़ी हेल्प हो गई कि ठीक है, अब मुझे मेरा वो टाइम बच गया, और फिर काफ़ी सारे काम और भी थे जो मैंने आज कर लिए। तो इस तरीके से दिन काफ़ी अच्छा रहा, और सबसे बड़ी बात जो हुई वो जैसे कि ये मेरा सोफ़ा वाला काम आज हो गया, क्योंकि देखिए देखने में तो बहुत छोटा लगता है लेकिन जब कोई चीज़ पेंडिंग हो ना तो मेरे को वो चीज़ स्ट्रेस देना शुरू कर देते, क्योंकि जो ये सोफ़ा के कवर्स जो मैंने आज है ना, ये जो पीछे लगे हुए हैं, ये आप यकीन नहीं करोगे, ये दिवाली से पहले के परचेज़ किए हुए हैं, ये कोई ये नहीं है कि मैं अभी एक दो दिन में लेके आई हूँ। लेकिन प्रॉब्लम वही थी कि सारा सामान इकट्ठा आएगा तो तभी, क्योंकि माइंड में था कि इसको ऐसे ऐसे करना है, लेकिन ऐसे ऐसे जब तक सारी चीज़ें आपके पास नहीं होती तो आप उसको उस तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते हो। बट आई एम सो वेरी हैप्पी कि जो भी मैंने एक्सपेरिमेंट माइंड में प्लान करके अलग अलग चीज़ें मंगाई थी तो वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा। ऐसे मुझे इस थ्री सीटर की तो कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। जब मैंने ये सोफ़ा 2017 में ख़रीदा तो मैंने ना 4 इंचेस वाले ना जो फोम की शीट होती है वो मैंने कटवा के ऊपर रेक्सिन कवर करवा लिया था, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया मेरा प्लान यही था कि इसको मैंने बाहर बालकनी में रखना है। चलो वो नहीं हो पाया तो फिर उसके ऊपर मैंने जो अपहोल्स्ट्री वाला कपड़ा होता है उसका मैंने घर पर कपड़ा ला के कवर सिल के मैंने वो जो फोम की शीट थी उस पर मैंने कवर चढ़ा दिया, तो ये तो ठीक रहा। लेकिन जो हमारी इसके साथ की चेयर्स है ना, उसका जो बेस है ना वो ओवल शेप का है, और जो 4 इंचेस फोम की शीट हमने उसके लिए कटवाई थी दैट वॉज नॉट सॉल्विंग द पर्पस, क्योंकि 5-10 मिनट बैठने के बाद है ना लोअर बैक में पेन शुरू हो जाती थी, बच्चे भी नहीं बैठते थे, हमने भी ट्राई करके देखा तो वो कुछ ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं था। तो इसीलिए मैंने रेक्टेंगुलर कुशंस के साथ छोटे स्क्वायर कुशंस मंगाए, सो दैट कि वो जो ओवल शेप है चेयर की उसमें प्रॉपर कुशनिंग हो जाए। और आई एम सो वेरी हैप्पी, आई एम ग्लैड के जैसा मैंने सोचा था वो उसी तरीके से कंफर्टेबल है, यानी कि जो भी मैंने खर्चा किया वो वर्थ था। और ऐसा चीज़ के लिए आप लोगों के पास भी बहुत सारे ऑप्शंस आपके माइंड में भी आए होंगे ना कि ये कोई इतनी बड़ी चीज़ तो नहीं, ये हो सकता था। तो देखिए, इसको हमने सोफ़ा को आने वाले टाइम में बाहर ही शिफ्ट करना है, अंदर तो रखना नहीं है। और जब हमने चीज़ें बालकनीज में या टेरेस पे रखनी हो तो हमें पता है कि आप कितना भी अवॉइड कर लें धूल मिट्टी आती ही है। तो मेरे को वहाँ पे जो चीज़ें हैं वो कुछ इस तरीके से ही मैंने प्लान करनी थी, जिनको मैं इजीली लाइक 10-15 डेज के इंटरवल पे जब भी रिक्वायरमेंट हो मैं उनको वॉश कर सकूँ। तो जो कुछ भी मैंने चेयर्स पे या इस पे यूज़ किया है वो सारा वॉशेबल है, क्योंकि अंदर तो ऐसा सच इतना डस्ट वगैरह नहीं आती है, लेकिन अगर हम इसको बाहर शिफ्ट करते हैं, जब भी शिफ्ट करते हैं तो बट ऑब्वियस है कि फिर तो इसको क्लीनिंग की बहुत ही फ्रीक्वेंटली ज़रूरत पड़ेगी। तो आई एम सो हैप्पी कि ये सारा कुछ ठीक हो गया। बाकी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। बाकी आज बच्चों का भी शौक पूरा हो गया कि ये बाहर ये खाना है ये खाना है, तो दिस इज़ माई वे ऑफ डीलिंग विद द क्रेविंग ऑफ माई किड्स। यकीन मानिए, जो बाहर के कहते हैं ना मल्टीनेशनल आउटलेट्स आजकल बहुत हैं फास्ट फूड के, मैं वहाँ का खाना एटलीस्ट बिल्कुल भी, मैं आई विल प्रिफर स्ट्रीट फूड या कोई छोटा रेस्टोरेंट
क्योंकि एटलीस्ट वो वहाँ पे खुद प्रिपेयर करते हैं। और ये हम सब जानते हैं जो मल्टीनेशनल चेन्स ऑफ फूड है उनके पास सारा कुछ फ्रोजन होता है, आप नहीं जानते कि वो कब से बना के उन्होंने फ्रोजन करके रखा हुआ है। तो मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ, क्योंकि अगर वो फ्रोजन फूड है तो कितना भी वो मेंशन कर लें प्रिजर्वेटिव्स तो उसमें होंगे ही। और माइंड ना करें, मैं किसी को डरा नहीं रही हूँ, वहम में ना किसी तरीके का भ्रम नहीं फैला रही हूँ, लेकिन भगवान ना करे अगर आपके घर पे कोई भी क्रॉनिक पेशेंट है किसी भी तरीके की मेडिकेशन पे है, तो पूरी कोशिश करें कि आप उसको फ्रोजन फूड तो बिल्कुल भी ना दें, प्रिजर्वेटिव वाला तो बिल्कुल ही ना दें। क्योंकि देखिए हमें कुछ नहीं पता होता, मुझे भी नहीं पता था बचपन में, मेरे लाइक जब तक हम इस वाले सिचुएशन में नहीं आए थे, तो जैसे सब बच्चे बाहर जाके खाते हैं पीते हैं, खैर ज़्यादा नहीं लेकिन हाँ बच्चे खाते थे, लेकिन जब हम इस सिचुएशन में आए, हमने अपने आप को एजुकेट किया, हम अवेयर हुए, तो अब हम अवॉइड करते हैं। एटलीस्ट बेटी को तो मैं बिल्कुल भी बाहर का नहीं देती हूँ, और चलो उसे तो हमें ना किसी भी मायने में आप समझ लें कि हम नहीं देते हैं, लेकिन हाँ आई एम सो वेरी ग्लैड कि बेटा भी उससे थोड़ा सा अवेयर हो गया कि नहीं अगर ये चीज़ उसे नुकसान पहुंचाती है तो कहीं ना कहीं कुछ परसेंटेज इसका नुकसान हमारी हेल्थ को भी होता होगा, तो वो भी एज सच बाहर का खाना ज़्यादा प्रेफर नहीं करता है। तो आप भी कोशिश करें, आप भी अपने बच्चों को अवेयर करें कि वो भी हेल्दी खाएं। मैं ये नहीं कहती कि बाहर का नहीं खाना चाहिए, लेकिन हाँ थोड़ा सा आप अवॉइड किया करें, वंस वाइल इट इज ओके हो जाता है, लेकिन ज्यादा नहीं। और जो आप बच्चों को घर पे बना के खिलाते हैं यकीन मानिए वो ज़्यादा यमी होता है, बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। और अभी भी शायद मेरे कुछ व्यूवर्स कहेंगे कि बर्गर में तो इतने सारे डिफरेंट सॉसेस वगैरह होते हैं, बिल्कुल होते हैं जी, लेकिन जिस तरीके का मौसम है खट्टा बच्चों को नहीं दिया जा सकता है। देखिए हम पहले ही कोविड से लड़ रहे हैं और अब ये बर्ड फ्लू भी आ गया है, तो मतलब मैं आज ही हंस रही थी, मैं क्या पहले तो होता था कि शाम को बच्चों को एग बॉईल करके दे दिए, अब तो ऐसा 21 आया वो एग भी बच्चों के बंद हो गए, है ना, मतलब अब नहीं दे रहे हैं। और पता नहीं एटलीस्ट मैं तो शायद 6 महीने ही ना दूँ, मुझे तो बहुत डर लगता है कुछ, अगेन वही बेटी के चक्कर में हम बहुत ज़्यादा हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। और ये पूरे आई थिंक विंटर्स निकल गए, बच्चों को एक बार भी दही खाने को नहीं दिया, नहीं तो आप यकीन मानिए एवरी 2 days के इंटरवल पे ना परांठे वगैरह बनते रहते हैं, लेकिन बच्चों को मैंने बिल्कुल भी दही नहीं दिया, क्योंकि डर लगता है कि थोड़ा सा भी गला ख़राब हो गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये हम बड़ों की ही जिम्मेदारी है कि हमने ही अपने बच्चों को एजुकेट करना है कि वो हेल्दी खाएं और किन किन चीज़ों का वो ख्याल रखें। तो अब ना तो दही हम बच्चों को दे सकते हैं, ना ही बॉइल्ड एग दे सकते हैं, तो कल मैंने एक और बड़ा काम करना है, मैंने बनानी है हल्दी की चटनी। हाँ जी, जो तो मेरे व्यूवर्स मेरे साथ बिगनिंग से जुड़े हुए हैं उन्हें तो पता होगा कि मैंने उसकी रेसिपी ऑलरेडी अपलोड की हुई है, और जो मेरे नए व्यूवर्स हैं मैं उन्हें बता दूं कि जो कच्ची हल्दी विंटर्स में ही आती है ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है, इसको आप डिफरेंट फॉर्म्स में खा सकते हो, उसकी सब्जी भी बन जाती है, अचार भी बन जाता है, चटनी भी बन जाती है, लेकिन एज सच मेरे घर पे चटनी ज़्यादा प्रिफर करते हैं, तो मैं चटनी ज़्यादा बनाती हूँ। और वो पिछले आई थिंक मंडे को ही ख़त्म हुई है, और बीच में 2-3 दिन वो फेस्टिवल की वजह से टाइम नहीं मिला, तो आज मैंने हल्दी खरीदी है, कल मैंने वो एक बड़ा काम करना है, मैंने चटनी भी यानी कि कल दोबारा मैंने अपने हाथ पीले करने। हाँ जी, अगर आप कच्ची हल्दी की चटनी बनाएंगे तो ट्राई करके देखिएगा, उसका नेचुरल कलर इतना अच्छा आता है कि आपके हाथ पीले हो जाएंगे। तो जो मेरे नए व्यूवर्स हैं जिन्होंने मेरा वो वाला ब्लॉग नहीं देखा, उनके लिए मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आपके इस वेदर के हिसाब से आपकी हेल्थ के लिए, आपके बच्चों के लिए वो बहुत ज़रूरी है, आप भी उसे ज़रूर ट्राई करें, खुद मतलब बच्चों को भी ज़रूर दें, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो बच्चों को नुकसान दे, बस थोड़ा सा आपने उसमें जो भी स्पाइसेस ऐड करने हैं आप उसको अपने बच्चों के टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा, अदरवाइज़ बच्चों के लिए बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं है। यहाँ तक कि जिस तरीके का वेदर है हम कितना भी कर लें थोड़ा बहुत आगे पीछे बच्चों के साथ हो जाता है, अगर बच्चों को हल्का सा कफ वगैरह है, गले में खराश वगैरह भी है, तो मेरा तो सिंपल होता है कि सिंपल प्लेन परांठा ही उस पर ना वो स्प्रेड करके
हल्दी वाली चटनी मैं तो रोल करके दे देती हूँ, साथ में बना दीजिए उनको अदरक वाली चाय। आप यकीन मानिए थोड़ा बहुत जो गले की खराश वगैरह है वो तो इसी से ठीक हो जाती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आएगा, और जो भी आपके व्यूज़ हों, आपके ओपिनियंस हों, प्लीज़ आप वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप करें। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नया ब्लॉग अपडेट करती हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँच जाए। और अगर आपको मेरा ये अनटोल्ड स्टोरीज़ का सफ़र अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलती हूँ कल आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, करेंगे कुछ नया। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अपने बच्चों का खूब ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।